हो गई हमारे सज्जन माँ की फरमाइश पूरी। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज वेडनेसडे है और अभी इवनिंग के 7:45 बजे हैं। आज 7:45 बज गए हैं नाश्ते पे, वैसे कभी 7:30 ऐसे हो जाते हैं मुझे, तो आज तो 7:45 ही बज गए। तो आज मैं नाश्ते पे बनाऊंगी अपना इवनिंग में। काजल और मैं तो वैसे ही जैसे बटर ब्रेड खा रहे हैं आज, कभी क्या चेंज करके खा लेते, कभी सूजी भी बना लेती हूँ इवनिंग में चेंज करके। वही अभी पहले बोल रहे थे आफ्टरनून में मैंने पालक बनाया, पालक और राइस बनाया। जैसे आपको बताती हूँ सिद्धि साई भाजी है बुबा जहाँ, पालक और ऑनियन राइस बनाए थे मैंने, तो पालक पड़ी है, ज़्यादा पड़ी है। तो फिर पहले क्या करते थे अभी कितना दिन से ऐसे ही कर रहे हैं, तो सब्जी जो बचती है उसका ही टोस्टर बना के दे मुझे, तो मैं सब्जी का ही खा लेता हूँ। थोड़ा बटर कम खा रहे हैं ये, तो आज तो बटर पड़ी है पालक ज़्यादा, तो मैंने वो बोला रात को खाएंगे, पहले बोल रहे थे नाश्ते पे खाऊंगा, फिर बोले थे फिर रात को गए। उसके साथ कोकी बना तो अच्छी लगती है मुझे, कोकी पालक के साथ, वैसे पालक के साथ कोकी बहुत ही बढ़िया लगती है, जो ओनियन वाली कोकी बनाती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है पालक ज्यादा बढ़िया है, तो इससे अच्छा तो फिर वो रात को खाने पे खाए ना, गर्म करके साथ में कोकी बना लूंगी तो वो भी अच्छा लगेगा। तो अभी मुझे वो ही याद था कि पालक के साथ पालक का टोस्टर खाएंगे, तो अभी काजल पूछने गई, काजल को बोला है काजल पूछ ले पापा से क्या खाएंगे, बटर ब्रेड खाएंगे कि सब्जी का खाएंगे। तो फिर रात को अगर इन्होंने अभी सब्जी का टोस्टर खाया तो रात को फिर मैं चेंज बना लूंगी, कोई सब्जी और कोई बना लूंगी। सब्जियां तो बहुत बड़ी है लेके आए हैं, अरबी वगैरह जैसे हम सिंधी में बोलते हैं कचालू, वो काजल के फेवरेट है अरबी, तो हम सिंधी में कचालू बोलते हैं, बॉयल करके उसको डबल फ्राई करती हूँ, काजल को इतने पसंद है, बहुत पसंद है। बट अभी कितने दिनों के बाद वो अरबी लेके आए हैं आज, उस दिन तो बीच में काजल की फेवरेट मैंने कॉलीफ्लावर आती है गोभी, तो वो बनाई थी, वो तो काजल की कितनी फेवरेट होती, तो वो बनाई थी मैंने, रील्स भी बनाया अपने तैयार रेडी हुई थी। बार मैंने ड्रेस पहनी थी रील्स में, इंस्टा पे जो रील्स बनाया मैंने, इस बार ड्रेस पहनी चेंज कर ली, साड़ियाँ तो बहुत सारी है मेरे पास, तो मैं साड़ी नहीं पहनी ये बार, मैंने बोला थोड़ा चेंज कर लेती हूँ लुक अपना, तो मैंने ड्रेस ही बना, काजल की जो ड्रेस पहले भी पहनी थी वो मैंने, तो काजल ने जो शायद मे भी मुझे लगता है बर्थडे पे या दिवाली पे कुछ ऐसे उसने ली थी, मैंने पहले भी पहनी थी, तो वही मैंने उस दिन रील्स में पहनी ड्रेस। क्यों तो लेट भी हो जाती है बहुत, अभी रील्स का मैं ऐसा करती हूँ बाहर का खाना अभी है नहीं, बाहर का खा नहीं रहे, तो फिर मैं क्या करती हूँ इवनिंग में उठ के 6 बजे पहले खाना बना लेती हूँ। क्या बोला काजल पापा ने, ब्रेड बटर खा रहे, तो ये भी अभी भी बोल रहे हैं ब्रेड बटर नहीं, इनको पालक के साथ कोकी ही खानी है रात को, इनको बहुत पसंद है पालक के साथ कोकी, तो बढ़िया लगती है, तो बोल रहे हैं नहीं को मैं रात को ही खाऊंगा कोकी के साथ, तो अभी पालक के पालक नहीं खाएंगे रात को ही खाएंगे, अभी ब्रेड बटर खा रहे हैं अभी, तो वही टोस्टर तीनों के लिए सेम हो जाएगा। तो जैसे आपको बताया मैंने गोभी बनाई थी उस दिन, खाना भी घर में ही बनाना पड़ रहा है क्यों, तो लॉकडाउन के बाद फिर हमने ऐसा सिस्टम कर लिया, बाहर का खाते ही नहीं थे इतना, ट्राई नहीं करते थे, तो जब भी रील्स शूट करती हूँ ना तो घर में ही मैं पहले उठ के नींद से 6 बजे खाना बना लेती हूँ, फिर नहीं तो काजल बोलती मम्मी मैं बनाऊँ, तो काजल को थोड़ा साथ में मैं खड़ा करती हूँ रील्स के लिए, फिर तो सारा यही देखती है, इसको ही थोड़ी आइडिया है मम्मी कैसे करना है क्या करना है, सारा यही देखती है, अगर ये यहाँ पे खाना बनाने आएगी तो मुझे कौन सजेस्ट करेगा, तो फिर इसको मैं बोलती हूँ नहीं बाबा तू ऐसा कर, मैं किचन खाली करके आती हूँ, किचन का काम उतार के आती हूँ, तो मेरे को पूरा रील्स का पता मुझे कैसे करना है, पूरा यही करती है, पोस्ट भी यही करेगी देखेगी यही, वैसे तो ऐसे ही नहीं होता टाइम पूरा दिन घर का काम, तो उसके लिए मैंने फिर क्या करती हूँ अभी मैंने ये सिस्टम बना लिया है, इवनिंग में उठ के 6:30 बजे मैं लगती हूँ खाना बनाने के लिए, खाना बनाती हूँ, उसके बाद जाके 7:30 बजे मैं हेयर वॉश करती हूँ, क्योंकि तो फिर कितना भी मैं सुबह में भी हेयर वॉश करूंगी तो वो चिपचिपे होने ही है किचन में आके, तो वो फिर मैं रात को खाना बनाने के बाद फिर मैं हेयर वॉश करती हूँ, उसके बाद काजल मुझे रेडी करती है, उसके बाद रील्स बनाती हूँ, तो मुझे रात के 3 बज जाते हैं, इतना टाइम हो जाता है, तो अभी सिस्टम ऐसा कर लिया है इवनिंग में, फिर वो टाइम पे उस दिन मैंने नाश्ता नहीं बनाती हूँ, इवनिंग में ही खाना बना लेती हूँ, तो खाना बनाओ उसके बाद मैं रील्स शूट करती हूँ, मैं अपना खाना बना लूँ किचन में, पूरा खाना भरा रहता है, फिर जब भी काजल रील्स शूट करेगी मेरे तो फिर अभी को भूख लगेगी, आके काजल को बोलते हैं काजल आके फिर गर्म करके दे दी, जब तक मैं अपना एसी में ही बैठी रहती हूँ, क्योंकि तो कपड़े से ड्रेस वगैरह हल्के नहीं रहते पहनो तो मुझे इतनी गर्मी होती है, फिर एसी में ही बैठी रहती हूँ, तो काजल यहाँ पे आएगी खाना गर्म करके देगी पापा को और खुद भी खा लेगी, मैंने कभी खा लेती है कभी मेरे साथ बाद में ही खाती है, तो इस बार तो उस दिन मैंने बोला काजल तू खा ले पहले गर्म करके फिर बाद में मैं आपके लिए खाऊंगी मुझे गर्म करके देना, तो गर्म करके देती है या तो फिर मेरे साथ ही खाएगी, तो इवनिंग में ऐसे बना लेते हैं। अभी तो इनका शॉप भी ओपन हो गया है, सुबह में 7 बजे से लेके 2 बजे तक यहाँ पे ओपन है लास्ट नंबर में हमारे यहाँ, तो अभी थोड़ा खुला है
बस 2 बजे के बाद फिर ये घर में ही आ जाते हैं, तो नाश्ता बना लेती हूँ टाइम वेस्ट में करके। पहले पहले हबी को बना के दे रही हूँ, बोले मुझे भूख लगी है, पहले जल्दी से मुझे दे खाना और नाश्ता। खाना नहीं, नाश्ता आज मैंने इतनी नींद की है, मैं 4:45 बजे सोई हूँ, 3:30, 4:30, सीधा 6 बजे उठी हूँ, इतना सोई हूँ। रात को सोती ही नहीं हूँ, काजल बोलती मम्मी आप सो जाओ, सो ही नहीं रहे हो। रात को डेली इसको रोज बोलती हूँ हॉरर मूवी साइड कर दे, वो मुझे देखनी है, मुझे दिखा हॉरर मूवीज, या हॉरर मूवीज देखूं या तो फिर यूट्यूब बैठ के देखूं, ऐसा टाइम पास करती हूँ रात को, तभी सोती हूँ, जल्दी सोती ही नहीं हूँ। पहनी थी तो ये बार काजल की, तो ये काजल ने फर्स्ट टाइम इंडियन स्टिच करवाया है, तो नहीं तो ये तो वेस्टर्न ज्यादा पहनती है, इंडियन कम पहनती है। काजल फर्स्ट टाइम ये ड्रेस इसने स्टिच करवाई, लेकिन कोरोना की वजह से ये अकेली गई थी पापा के साथ स्टिच करवाने, मुझे नहीं लेके गई थी, तो उसको ना थोड़ा पसंद नहीं आ रहा था, मैंने अच्छे से नहीं सिलाया है, उसको फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आया है कैसे स्टिच कराना चाहिए, कैसे फिटिंग रखाना चाहिए, तो उसको समझ में नहीं आया, थोड़ी लूज हो गई, तो मुझे भी लूज हो रही है। मैंने पहनी उस दिन जैसे लास्ट टाइम आपके साथ शेयर की थी, मैंने क्लिप पहनी थी पीछे से भी, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे थोड़ी लूज हो रही थी, लास्ट टाइम तो ज्यादा लूज हो रही थी मुझे, बहुत लास्ट टाइम तो मेरा वेट ज्यादा ही कम था, अभी भी कम है, मेरा तो वेट कम ही होता जा रहा है, जैसे ही ये गर्मी आई है तो वेट 1 kg 2 kg लॉस होता जा रहा है लॉस, तो अभी भी मेरा वेट कम ही है, तो भी पहले से ठीक है। तो वो ड्रेस काजल की मैंने पहनी, तो पीछे से क्लिप पहनी थी मैंने, हेयर क्लिप आती है ना, वो पीछे से पहन ली थी, तो काजल वही बोली थी उस दिन भी मम्मी मैंने ये अच्छे से स्टिच नहीं करवाई, फर्स्ट टाइम थी तो मुझे भी समझ में नहीं आया, मैंने बोला मैं भी चली नहीं, क्यों तो लॉकडाउन था तो उसके लिए नहीं चली, हबी गए थे, कोरोना का टाइम था, मुझे बाहर निकाल ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी, तो हबी गए थे, दोनों साथ में गए थे ये दोनों, तो नहीं समझ में, नेक्स्ट टाइम बोल रही तू चल आप चलना साथ में, तो फिर देखते हैं कैसे स्टिच करवानी है, कभी सिलाएगी तो अभी मैं साथ में ही जाऊँगी। मुझे तो सूट की इतनी अच्छी आइडिया आ गई है कैसे स्टिच करवाना है, कैसे मुझे अच्छा लगेगा, मैं कैसे उस ड्रेस का लुक करूं, कैसे मुझ पे वो जचेगा नहीं जचेगा, ये लुक मुझ पे कैसे आएगा, मैं पूरा अपना डिसाइड कर लेती हूँ अच्छे से। अभी जैसे एनिवर्सरी पे मैंने स्टिच करवाया था गराड़ा और कुर्ता था मेरा, गराड़ा स्टिच करवाया था, तो सूट की मुझे पूरी सी आइडिया आ जाती है, तो कैसे मुझे सूट होगा इस ड्रेस में, मेरा लुक परचेज करने जाती हूँ ना, तभी मैं वही टाइम पे डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं मुझे ये इस ड्रेस में अपना ये सूट में लुक कैसे लगेगा, मेरा लुक अच्छा होके आएगा, उसे मैं कैसे स्टिच करवाऊँ, वो मुझे पूरी आइडिया है अच्छे से, भले फैशन डिजाइनिंग का कोर्स नहीं किया हो मैंने, लेकिन अच्छे से आ जाता है, पूरा अच्छे से कर लेती हूँ, जो भी स्टिच करवाई आज तक सभी पूछते, सबको पसंद आ जाती है कैसे स्टिच करवाई क्या करवाया, तो सबको अच्छी लग जाती है, जो भी मैं स्टिच करवाती हूँ पहनती हूँ तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे ही आ जाते हैं सबसे। मैंने काजल को बोला ये ड्रेस भी मैं से ला के आती थी ना तेरे साथ जाती थी, तो ये एकदम से बढ़िया लगती थी, ऐसे नहीं लगती थी, और भी बढ़िया लगती थी, लेकिन तो उसकी ड्रेस ना बहुत ही हैवी है काजल की, पूरा वर्क किया हुआ है उस पर, स्टोन वर्क है कुर्ते में पूरा का पूरा, सूट मस्त है बहुत, लेकिन इसने अच्छे से सिलवाती थी ना तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाता था एकदम से। अभी तो मैंने शॉपिंग कुछ की नहीं, जैसे लॉकडाउन हुआ है कुछ भी शॉपिंग नहीं हुआ, ये जो बॉम्बे लास्ट टाइम गई थी वहां से मैं कुर्तीज वगैरह लेके आई थी, येलो और मिडी लेके आई थी, आपको आपके साथ मैंने शेयर भी किया था, जो मिडी लेके आई थी तो वो भी उस दिन मैंने पहनी थी, तो ऐसे ऊपर बेड पे जैसे मैं बैठने लगी खुद को खींचा तो वो मेरे यहाँ से स्लीव्स वो टूट गई, अभी वो स्लीव्स के लिए उसमें कुछ ऐसे है तो वो मुझे मंगाना पड़ेगा, भाई मिलेगा कि नहीं वो स्लीव्स तभी बने, मेरी मिडी इतनी फेवरेट है, मैंने उनको बोला है खोलेंगे शॉप तो मुझे पहले वो ला के दो, मैं वो मिडी बनाऊँ, मुझे वो घर में पहनने के लिए इतनी कंफर्टेबल लगती है, बहुत कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि तो एकदम कॉटन का क्लोथ है हल्का है, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है वो मिडी पहनने, कितने टाइम से वो मिडी नहीं पहनी, लास्ट टाइम पहनी थी तो टूट गई, इतने में उसका क्लिप था ऐसे स्लीव्स में, ऐसे बिल्कुल ही पतली स्लीव्स है तो उसमें क्लिप था, तो वो क्लिप मेरा टूट गया है निकल गया, बैठ लो क्लिप मिले ना सेम, ये बोलते मैंने बोला कोई भी क्लिप लेके आओ उसको ज्वाइन करके मैं उसको पहनूंगी ड्रेस को, जब सोई थी भी तो आंटी से काम करवा लिया है काजल ने, मुझे तो पता ही नहीं चलता है गैलरी में सोई रहती हूँ, काजल ने पूरा काम करवाया, अब ये अटेंसेस वगैरह लगाने, पहले अभी मैं नाश्ता खाऊंगी फिर चाय पीऊंगी उसके बाद आऊंगी अटेंसेस लगाने के लिए, अभी काजल का भी रख दिया टोस्टर बनने के लिए, बाकी मेरा है टोस्ट बटर ब्रेड का, वो मुझे लगानी है अभी बटर ब्रेड, फिर मेरा भी बना लूंगी मैं, फिर चाय पी के बाद में अटेंसेस लगाऊंगी।
परसों रात को भी थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके बाद से इन्होंने चाय कम कर दी है, तो अभी बोले मैं चाय कम पीऊँगा। हर इवनिंग में नींद से उठ के थोड़ा आधा कप पिए और सुबह में एक कप पी के जाते, बस चाय उसके बाद पीना छोड़ दिए। वैसे सुबह में जैसे नाश्ता बनाती हूँ उसके बाद भी चाय बनाती हूँ मैं, नाश्ता खाते तो फिर अभी वैसे भी पीते थे, इनकी वजह से मैंने शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया नाश्ते के बाद चाय पीना, तो अभी नहीं पी रहे। काजल और मैं ही पीती हूँ इवनिंग में भी ऐसे नाश्ते के बाद चाय, काजल और मैं पी रहे बस, अभी पियेंगे नहीं। और कपड़े भी डाल दिए हमने वॉशिंग मशीन में, वो भी धुल गए वहाँ से, और ये भी हो गया चाय का भी। बस अभी खाने का तो आज टेंशन नहीं है, कुकी बनाना है पालक के साथ, थोड़ी देर चाय पी के थोड़ी रेस्ट करके मैं आ जाती हूँ, फिर किचन क्लीन कर लूँगी, प्लेटफॉर्म भी, फिर रात की बस कुकी बना के आराम है। दस बजे हैं और मैं अभी तक यहाँ पे ही बैठी हूँ बेडरूम में, यहाँ पे चाय पी के यहाँ पे ही बैठी हूँ, अभी के साथ बातें की, काजल के साथ बैठी थी, यहाँ पे ही बैठ के अपना आराम फरमा रही हूँ और बाहर की हवा खा रही हूँ। क्लाइमेट तो थोड़ा ठंडा हो गया है, कभी बारिश पड़ रही है कभी गर्मी हो रही है, किचन में जा रही हूँ तो इतनी गर्मी हो रही है बहुत, सुबह के टाइम पे और आफ्टरनून के टाइम पे खाना बनाने के लिए जो मेरी हालत हो रही है, सुबह में भी नाश्ता बनाती हूँ पूरी गीली हो जाती हूँ और आफ्टरनून में खाना बनाऊँ तो भी गीली हो रही हूँ। इवनिंग से थोड़ा ठीक लग रहा है क्लाइमेट, ऐसे बन के आई है, बारिश थोड़ी पड़ रही है फिर चली जा रही है, इतनी बारिश नहीं पड़ रही है, थोड़ी थोड़ी पड़ रही है डेली, रात को भी थोड़ी पड़ती है तो थोड़ा ही पड़ रही है, फिर क्लाइमेट थोड़ा शाम के बाद है ना इवनिंग के टाइम पर थोड़ा चेंज हो जाता है, नहीं तो पूरा दिन गर्मी। और मेरे सज्जन वहाँ बैठे हैं नीचे अपना मोबाइल चला रहे हेडफोन लेके, ये तो बेडरूम में बैठना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं कर रहा है, क्यों तो वहाँ पे इनको गर्मी हो रही है, जब ही से ये गर्मियाँ स्टार्ट हुई है घर पे हैं लॉकडाउन से, जैसे ना टीवी देख रहे हैं ना क्या, यहाँ पे ही आके अपना मोबाइल या हेडफोन लेके बैठेंगे या मेरे से बातें करेंगे या तो अपना मोबाइल लेके बैठ जाएंगे। आज तो सीधा इनको फ्लोर पे ठंडा लग रहा है तो फ्लोर पे जाके बैठ गए, ठंडा लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ बाहर बैठ के आराम से बैठी थी और हवा बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी कोकी बनानी है आज खाली पालक के साथ, तो रेस्ट है। आम भी लेके आए हैं, ये देखती हूँ आम का शेक बनाऊँ, मैंगो शेक बनाऊँ या तो फिर मैंगो, कल तो मैंने काट के खाए थे मैंगो, तो मैंगोस खा के मैं एंजॉय कर रही हूँ। मैंगो तो मेरे इतने फेवरेट है बचपन से बहुत, तो कभी मुझे खाने के लिए चाहिए कभी तो शेक बना लेती हूँ। कल तो टाइम हो गया था, कल मैं सोच रही थी शेक बनाऊंगी लेकिन रात को लेट हो गई, फिर काजल और मैं चले गए, ये भी जल्दी सो गए, कि परसों भी ऐसे एसिडिटी का प्रॉब्लम था, कल भी प्रॉब्लम लग रहा था इनको, तो जल्दी सो गए, बोला आराम करूंगी तो शॉप सुबह में 7 बजे खोल रहे तो जल्दी उठना पड़ रहा है इनको, तो सुबह में फिर जल्दी उठना पड़ रहा है तो रात को भी जल्दी सो जाते हैं ये। फिर मैं जाके अपना काजल के साथ हॉल में चली जाती हूँ 11:15 लूडो खेल के, काजल मैं मेरे भाई के बच्चे आपस में लूडो खेल, बीच में भाई के बच्चे भी आ गए थे एक दो दिन पहले, वो रहने के लिए आए थे तो काजल के साथ एंजॉय किया। तो आज रात को भी काजल को बोल रही हूँ कोई मूवी डाउनलोड कर, काजल मूवी डाउनलोड की कोई हॉरर की नहीं करूँगी, करेगी कौन सी, अस अस स्पेलिंग US अस बस वो वाला अस अस वही किसी मूवी का नाम है, तो बोल रही है अस मूवी है US अस मैं भी बोली अस कौन सा वाला अस, क्या क्या अच्छी होगी, हाँ श्योर नहीं अच्छी होगी या नहीं, रिव्यूज ठीक ठाक है खास नहीं है, तो बोले उसकी रिव्यूज थोड़े ठीक ठाक है बट देखेंगे, मैं बोल रही हूँ भर दे हॉरर मूवी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। कपड़े भी धुल गए हैं, बाकी काजल को सुखने डालने हैं, काजल ही डालती है मैं तो नहीं डालती हूँ, ट्रॉली सिस्टम है, ट्रॉली नीचे करती है काजल फिर उस पर डाल देती है, मैं नहीं डालती क्योंकि मुझे हाथ भी नहीं लगाने देते गीले कपड़ों को, काजल वॉशिंग मशीन में डालेगी या तो मैं सूखे कपड़े भी डाल देती हूँ वॉशिंग मशीन में, पर निकालने के टाइम ना काजल ही हाथ लगाती है कपड़ों को तो वो ही गीले रहते हैं तो उसे ही निकालने होते हैं। अभी तो क्लाइमेट चेंज है तो जितना हो सके अभी मुझे ऐसे पानी में हाथ नहीं डालना पड़ेगा, थोड़ी ठंडी अभी भी लग रही है ये टाइम पे, सुबह में गर्मी और ये टाइम पे ठंडी,
तो पानी में हाथ नहीं डालना पड़ेगा बिल्कुल भी, नहीं तो फिर पेन हो जाएगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम उस दिन मैंने आपको आपके साथ शेयर किया, मैंने फ्रिज साफ आंटी ने किया था फ्रिज साफ, तो खाली मैंने ओनली जो सामान थे वो भर के रखे। जो मुझे पेन हुआ है हाथों में, दोनों हाथों में इतना, दोनों हाथों में पेन है, काजल ट्यूब लगा रही है, और 3 दिन मैंने पेन किलर लिए है, हाय दो पेन किलर, आफ्टरनून में पेन किलर, रात को पेन किलर, मुझसे सहन ही नहीं हो। लेकिन 3 दिन मेरे हाथों में से पेन ही नहीं उतर रहा था, इतना पेन था हाथों में बहुत। खाली क्या मैंने फ्रिज भी नहीं पोछी, वो तो आंटी ने पूरी सफा साफ की, और मैंने ओनली सिर्फ मसाले के वगैरह निकाल के रखे, खाली करके दी आंटी को और लगा के दी, और फिर जो कांच के बर्तन थे वो निकाले, वो लगाया, उसमें इतना पेन हो गया मुझे 3 दिन से, हाथ में समझ में ही नहीं आ रहा था, ये पेन किलर से भी नहीं उतरा है। लास्ट में फिर मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, 1-2 दिन मैंने ट्यूब नहीं लगाई, फिर लास्ट के दो दिन लास्ट में फिर मैंने ट्यूब लगवाई काजल से। आफ्टरनून में सोने के टाइम ट्यूब लगवा रही थी, फिर रात को भी जब भी हाथों में ट्यूब लगाई तभी पेन किलर के साथ ट्यूब भी, तभी जाके फायदा हो गया। खाना क्या खा रहे हैं? पालक और कोकी ही खाएंगे। और पापड़ तो जी हमारे मैंगो, अच्छा साथ में मैंगो भी खाएंगे, पापड़ भी और कोकी भी। इतनी सारी वेराइटीज में बनाऊं, पालक भी बनाऊं, कोकी भी बनाऊं, मैंगो भी बनाना पड़ेगा, मैंगो भी बनाऊं, चलो बनाना नहीं काटना तो पड़ेगा मैंगो मुझे, और मैंगो भी मुझे ही काटना पड़ेगा, इनसे नहीं होता है मैंगो काटना, नहीं आता है मैंगो काटते थे जो आम की गुठली होती है ना उसका भी मैं छिलका उतार के हाथ में बना के देती हूँ सजनवा को, वे अब निकला हुआ हो छिलका तो फटाफट से खा ले मेरे सजनवा। चार वैरायटीज हो गई, पापड़ भी वैरायटी है। यस पापड़ भी वैरायटी, वह पकाना तो पड़ेगा ना मुझे, पकाती मैं हूँ। हाँ पकाती मैं हूँ, निकाल कर तो कोकी है ये सब आटा भी गूनू, बेलू भी, पकाऊं भी, फिर उसको खाऊं भी, ऐसा बहुत बड़ा काम खाने के टाइम, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मैं खुद अपने हाथों से नहीं खाऊंगी, आज सजनवा को बोला है खाना खिलाने के लिए। अभी टाइम वेस्ट ना करके, इनको भूख लगी है, टाइम पे इनको भूख लग जाती है, 10:15 हो गए, मैं खाना खाऊं तो मैं बनाने जा रही हूं कोकी। कोकी इनकी पक रही है पहले से इनकी, ये तो इनको भूख लगी है, और पालक भी वहां पे मैंने सब्जी भी गरम कर दी है, बस आम भिगा लिया है मैंने, मैंगो बस ये काट के इनको, जैसे इन्होंने बोला है कोकी पापड़ सब्जी पालक की एंड आम, तो इनकी फरमाइश पूरी की जाएगी सजनवा की। तो खाली मैं अपनी पका रही हूँ, इनके लिए लेके जा रही हूँ, इनका खाना बना रही हूँ खाली, तो काजल बाकी मेरा और खुद का कोकी बना के आएगी। हो गई हमारे सजनवा की फरमाइश पूरी, मैंगो पापड़ कोकी और पालक की सब्जी। अभी रात के 1 बजे हैं और अभी सजनवा सो गए हैं और हम काजल और मैं यहाँ पे आए हैं इनको सुला के, और काम अभी भी रह गया है मेरा, क्योंकि किचन क्लीन करना है, थोड़ा सा जो खाना खाया वो हटाना है सब में से, वो क्लीन करना है, और आटा आज मंगाया था इन्होंने, आटा और बेसन, तो वो मेरे डब्बे आज आंटी से धुलवा के रखे थे, तो वो मुझे लगा के फिर तभी मैं सोऊंगी, थोड़ा अभी टीवी देख रही हूँ, और मैंगो नहीं खाया अभी तक, मैंगो खाऊंगी पहले, फिर उसके बाद ये आटा वगैरह लगा के बेसन लगा के अपना फिर सो जाऊंगी टैबलेट लेके। तो आज मैं शेक नहीं पी रही हूँ, आज भी मैंगो ही खा रहा है, आज तो काजल मम्मी मैंगो ही खा रहा है, तो ठीक है कल शेक बनाएंगे, आज खा लेते हैं।
वैसे भी मैंगो इतने खा खा के मैंने इतने खाए हैं तो मेरे मुंह में ही छाले निकल गए, एक ने दूसरा, एक उतरता है दूसरा होता है, दूसरा उतरता है तो तीसरा होता है। तो गाइस अपना मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली एंड वैक्सीन सब लगा लेना, अभी तो मैंने भी नहीं लगाई है, मैं तो खुद डर रही हूँ, सोच रही हूँ वैक्सीन लगाने का। डॉक्टर से पहले पूछूंगी, पहले तो हबी को बोला है आप वैक्सीन लगा के आओ कैसे भी करके, बहुत ज़रूरी है ये दोनों लगाए तो फिर मैं भी लगाऊँ। तो अभी तक हबी भी नहीं गए हैं वैक्सीन लगाने के लिए, वो लगवाए तो मैं, मुझे तो डर है अपना, तो जो मेरा राइट शोल्डर है वो कितने ईयर से स्टिफ है तो ये थोड़ा काम नहीं करता है, मेरा राइट साइड हैंड थोड़ा है थोड़ा काम करने में प्रॉब्लम होती है, वो नहीं काम करता है। पहले से ही मेरा राइट हैंड तो जो काम करता है वो मेरा एक ही हाथ है, ये साइड तो मीन्स मेरा बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे काम में, तो इसमें भी वही, इसमें अगर वैक्सीन लगा के आई तो ये तो पहले से ही कम काम कर रहा है हाथ और ये भी अटक जाएगा। तो वही समझ में नहीं आ रहा कैसे, मैं डॉक्टर से पूछूंगी पूरा, उनसे पूरी सजेशन लूंगी टैबलेट्स वगैरह की, क्या लेना है क्या नहीं टैबलेट लेना है उसमें, तो तभी लगाऊंगी। और हबी को बोल रही हूँ आप जल्दी से लगा के आओ, और हाँ आप सब भी जल्दी से वैक्सीन लगा के आना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।